ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦ ਸੈਨ ਮੁਸ਼ਾਹਦ ਸੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਕੌਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ तो आप क्या समझते हैं इससे मैं डर जाऊंगा ना 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 छोड़ दो आले सर भी तुम्हें पता लगा ਜਿਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਹੈਂਡਲਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਪੰਗਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਮੇ ਤੁਮੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਮ ਲੋਗ ਤੋ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਔਰ ਪੁੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੋ ਹਮਾਰੀ ਉਮਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਇਤਰਾਮ ਸੇ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਲੇਤੇ ਥੇ ਜਬ ਹਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥੇ ਔਰ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕੀ ਮੀਮਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 1200 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਵੇਲ ਕੀ ਥੀ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਇਨ 12 ਸਾਲੋਂ ਮੈਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਨਕੀ ਇਹ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਔਲਾਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਨਹੋਨੇ ਇਨਕੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ
और द डैमेज हैज बीन डन, इसका मेरी जिंदगी या मेरी मौत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो काम डलना था वो डल गया इनके साथ साथ, अब तो ये काम फैलना है इंशाल्लाह ताला। हाँ वो आपके सामने है, जाए लाइव स्टोरी सुने, 200 के करीब एपिसोड्स होने वाले हैं। कौन दुनिया में बंदा है जो इस तरह लाइव सेशन आके कर सकता है कि हाँ जी बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के तो अपने फिरके को छोड़ा है। ओए सालों में कोई एक बंदा छोड़ता था और 20-20 साल उसकी तकरीरें पूरे मुल्क में होती थी। मैं अलीगढ़ क्यों हुआ, हाँ मैं देवबंदी क्यों हुआ, मैं बरेलवी क्यों हुआ, कोई सालों में एक बंदा। और इधर रोजाना दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग रिवर्ट हो रहे हैं, कोई मरीज से नहीं इन्हीं में से निकल के। हाँ और वो लोग जिनको आपने तारुफ नेगेटिव करवाया था, रायविंड वाली जमात या बाबा जानी वाली जमात मुल्तान शरीफ वाली, वो तो घेर के बंदे लेके जाती है ना, हजारों लेके जाती है तो बीच में से कोई दो चार निकलते हैं। यहां सबको नेगेटिव तारुफ होता है और जिसने तारुफ करवाया होता है उसको छोड़ जाते हैं और जिसके बारे में करवाया होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मुझे बताएं ये सच्चाई नहीं तो और क्या है, और क्या है? मैंने क्या इनके खर्चे उठाए हुए हैं या मेरे साथ अटैच होके तो इनकी बड़ी पसीराई होनी है? मां बाप को अपने खिलाफ करते हैं, रिश्तेदारों को अपने खिलाफ करते हैं, मस्जिद के मौलवियों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ये सच्चाई की ताकत। तो मैंने इसके ऊपर काफी गौर तफक्कुर किया, जाहिर सबसे बेहतर तो मैं खुद समझ सकता हूं ना कि मेरी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। तो वो तो दर्जनों बातें गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उसे सम अप किया जाए ना तो मैंने वो मेनली तीन चीजें ढूंढी हैं, उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि इंजीनियर साहब ने कौन सी मुसीबत इनके लिए खड़ी कर दी है उन्हें पता चल जाए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं, ये सबसे बड़ा मेरा जुर्म है, इसलिए कि ये नहीं समझते। अब इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ हूं। अब ये सारी की सारी बातें इन्हें सूट नहीं करती क्योंकि इन सब की दुमें कटी हुई हैं, ये सब यही कुछ करते हैं। और जिस बिल्ली की दुम कटी हो उसकी ख्वाहिश होती है कि बाकी सारी बिल्लियों की दुम भी कट जाए ताकि वो नुमाया ना हो कि ये दुम कटी बिल्ली जा रही है। ऐ बंदा जरा जा रहा है जना V8 एने जना वो फलाने को इतना चंदा लिया खा गया जे मदरसा उतना खिलोत्या जे और इसने अपने ऊपर लगा लिया, मदरसा वहीं खड़ा है और इसने सारा पैसा अपने ऊपर लगा लिया। और तीसरा मुकद्दस जुर्म जो है जो सबसे बड़ा है, जो हमारी दावत की बुनियाद है, वो है खामोशी का बायकॉट। बिल्कुल, अब पूछेंगे कि ये जो बात तुमने मेंबर से बयान की है ये कहां लिखी हुई है और बताना हमें आपने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, क्योंकि दीन आसमानों से नाजिल हुआ है, दीन अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ वालों ने नहीं बनाया। दीन उस शख्सियत में नाजिल हुआ है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तुमने ये बताना है कि उन्होंने क्या फरमाया है, ये है असल जो तीसरा सबसे बड़ा जुर्म कि खामोशी का बायकॉट और पूछना है। कल तक तो बड़े फखर से कहते थे जनाब उलमा से पूछे ना आके, अब जब हम लोग पूछ रहे हैं तो ये भाग रहे हैं। वो पूछने से मुराद ये कहते थे कि पूछेंगे आपका क्या ख्याल है इस बारे में, लोग तो कहते हैं सरकार आपका क्या ख्याल लेना है, ख्याल तो दुनिया में हर बंदा दे रहा है, हमें बताएं किताबो सुन्नत की रोशनी में इसके बारे में क्या अहकाम मिलते हैं। अब किताबो सुन्नत ने खुद पढ़ा हुआ, इन्होंने जिन बुजुर्गों से कोट कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा हुआ, या पढ़ा भी है तो उन्होंने अपना लुगमा उसके मुंह में डालने के लिए कुरान की तफसीरें और हदीस की शुरुआत लिख दी थी।
حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا باب الحق بیڑا تاک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کام ہے, کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم, سرکار صراط الذین انعمت علیہم قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا عشر تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے. دوڑ تلے صراط الذین انعمت علیہم. ہم سب بریلوی صاحب ہے جی 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 جی, کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین, انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا. جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم. نہیں اس تو اگے, اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہے. نہیں جی فیض ہے سرکار. فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالوورز لاکھوں علماء فرقوں کے اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے ان کے مولوی فارغ کر دے تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا پھر؟ وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائیٹیریا بنانا ہے آپ نے, کرائیٹیریا قرآن و سنت ہے. چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا ہی ہے.